ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी खस्ता मुरमुरा पट्टी बनकर हमारी तैयार हुई है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुरमुरा पट्टी। और जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मुरमुरा पट्टी कितनी खस्ता बनी है, बाज़ार से भी अच्छी, आज हम मुरमुरा पट्टी घर पर बनाएंगे। और मुरमुरा पट्टी को हम लैया पट्टी भी बोलते हैं या फिर लैया गजक भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर मकर संक्रांति पर बनाई जाती है। इसको बनाना बहुत आसान है और दो इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लैया पट्टी बनाने के लिए एक हैवी बॉटम की कढ़ाई में हम 150 ग्राम्स गुड़ डालेंगे। गुड़ को हमें फोड़कर ही डालना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रहेगा। अब गुड़ को हमें चलाते हुए मेल्ट करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड़ मेल्ट हो चुका है, तो अब हमें गुड़ को पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें गुड़ को पकाना है। गुड़ को हम तब तक पकाएंगे जब तक गुड़ का कलर हल्का सा वाइट ना हो जाए, गुड़ फ्लफी ना हो जाए। तो इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम गुड़ को पका लेते हैं। तो लगातार चलाने के बाद में हमारा गुड़ हल्का सा वाइट हो गया है और गुड़ फ्लफी हो गया है। तो गुड़ हमारा परफेक्ट कुक हो गया है मुरमुरा पट्टी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी कि गुड़ अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। तो एक बाउल में पानी लीजिए, एक ड्रॉप गुड़ की डालिए और इस तरीके से गुड़ को तोड़ कर देखिए। तो यहाँ पर गुड़ आसानी से टूट रहा है और गुड़ अच्छे से पानी के अंदर जम गया है। तो हमारा गुड़ बिल्कुल परफेक्ट है मुरमुरा पट्टी बनाने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर गैस ऑफ कर देनी है और अब हमें इस गुड़ के अंदर ऐड करना है 100 ग्राम्स मुरमुरा। अगर हम 150 ग्राम्स गुड़ ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें 100 ग्राम्स मुरमुरा लेना है। ये मेज़रमेंट आप ध्यान रखिए, इसी मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी मुरमुरा पट्टी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर एक ख़ास ध्यान आपको रखना है कि गैस ऑफ कर दें, उसी के बाद में गुड़ के अंदर मुरमुरा ऐड करें। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुड़ के अंदर मुरमुरा जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसके बाद में हमें एक पॉलीथीन को ग्रीस करना है देसी घी से। मैं यहाँ पर पॉलीथीन पर मुरमुरा पट्टी जमाऊंगी। आप चाहे तो प्लेट में भी मुरमुरा पट्टी को जमा सकते हैं। तो अब पॉलीथीन हमारी अच्छे से ग्रीस हो गई है, इसके ऊपर हम रखेंगे गरम गरम मिक्सचर। आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि गरम गरम मिक्सचर में ही मुरमुरा पट्टी आपको बनानी होगी। तो ये मैंने मिक्सचर पॉलीथीन के ऊपर रख दिया है। अब एक फ्लैट बर्तन से इस तरीके से मुरमुरा पट्टी को हम फ्लैट कर लेंगे, साथ ही हाथों से इस तरीके से इसको एक अच्छी सी शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको बेलन से भी बेल सकते हैं, पर इस तरीके से बड़े बर्तन से, फ्लैट बर्तन से हम इसको बहुत ही जल्दी जमा सकते हैं, क्योंकि गरम गरम मिक्सचर में ही बनाई जाती है। और अगर एक बार ये मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो मुरमुरा पट्टी आसानी से नहीं बनती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गरम गरम मिक्सचर में ही मुरमुरा पट्टी आपको बनानी होगी। तो ये देख सकते हैं मैंने हाथों से बहुत अच्छी शेप दे दी है। अब हम नाइफ से इस तरीके से निशान लगा देंगे, क्योंकि अभी मिक्सचर गर्म है तो हम आसानी से निशान लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ स्क्वायर शेप में। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मुरमुरा पट्टी को पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हमें इस मुरमुरा पट्टी को ऐसे ही छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, ताकि मुरमुरा पट्टी बहुत अच्छे से जम जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद में हम पीसेस को अलग कर लेते हैं। और 10 मिनट में अभी हमारी जो मुरमुरा पट्टी है वो अच्छे से नहीं जमी है, तो इसका मतलब आप इनको 15 से 20 मिनट के लिए जमने के लिए छोड़ दीजिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद में मुरमुरा पट्टी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। मैं इनको एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेती हूँ। और यकीन मानिए, ये मुरमुरा पट्टी बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है,
मेरे घर में ये मुरमुरा पट्टी सबको बहुत पसंद आई है। तो इस मकर संक्रांति आप इन मुरमुरा पट्टी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी मुरमुरा पट्टी कैसी बनी है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।